मुक्केया नहीं। ऑल राइट गाइस, तो आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट का सबसे रिच ट्री। हाँ गाइस, वो नेदराइट गोल्ड डायमंड वगैरह से बना होगा, और एक बिग चेस्ट और एक बिग मतलब रिस्पॉन एंकर। तो गाइस, आज की वीडियो बड़ी एपिक होने वाली है, आप वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करना। मतलब इसके हमने पहले दो पार्ट भी बनाए हैं, वो भी मतलब उस पर भी ठीक ठाक व्यूज आए थे, तो आज हम बना रहे हैं गाइस इसका थर्ड पार्ट। चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे मतलब रिच ट्री बनाने लगा हूँ, देख रहे होगे मतलब कुछ ऐसा दिखता है स्क्रीन पे आ रहा होगा। गाइस चलो यार स्टार्ट करते हैं उसको बनाना। तो गाइस हमारा माइनक्राफ्ट का रिच ट्री बन के तैयार हो गया। अभी हम बनाने लगे हैं मतलब रिस्पॉन एंकर। मतलब ये दिखने में तो तगड़ा लग रहा है, कितना अमीर है इसके पास, मतलब कितना सामान है, नेदराइट हो गए, एमराल्ड्स वगैरह, बड़ा ज़्यादा सामान है यार इस पे। तो गाइस अभी बनाते हैं हम अपना रिस्पॉन एंकर, यहाँ से ले लेते हैं रिस्पॉन एंकर। तो गाइस अभी मैं बनाने लगा हूँ रिस्पॉन एंकर, इस जगह बनाते हैं, इस जगह पे मतलब कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो, देखना बड़ा कैसा दिखता है। वही बनाते हैं यहाँ पे बड़ा, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा तो करना नहीं है, दरवाजे वो लगाना है और बीच में ब्लैक कंक्रीट लगा देनी है, पूरा रिस्पॉन एंकर ही दिखेगा। रुको देखो, मतलब बीच में चार फोर टू बाई टू का स्पेस छोड़ देनी है, वैसे बना लेना कुछ तगड़ा दिखता है यार। क्राइंग ऑब्सीडियन में दिखने में अच्छा होता है। बस यार ये बन के तैयार हो गया, इसमें लगा ली हमने ब्लैक कंक्रीट और यहाँ पे बन गया हमारे रिस्पॉन एंकर। अभी देखो मतलब छोटा ऐसा दिख रहा है और बड़ा, ये देखो इस पे हम और कंक्रीट भी लगा सकते हैं, ब्लैक कंक्रीट अच्छा लगेगा ऊपर तक, इसको तोड़ देते हैं। तो गाइस ये भी बन गया, अभी हम बनाने मतलब ये दोनों एपिक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। अभी हम बनाएंगे बिग चेस्ट, एक छोटी चेस्ट है उसको हम बड़े लेवल पे बनाएंगे, ये कुछ ऐसी दिख रही है ठीक है। अभी हम बनाएंगे इसको बड़े लेवल पे, मतलब कभी मैंने बनाई नहीं है, पहली बार ही बनाने लगा हूँ। इसके लिए हमें ग्रे कंक्रीट और येलो टेराकोटा चाहिए बस, पहले इसका फ्रेम तैयार करते हैं फिर बनाते हैं।
तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये इल्जाम है।